हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेक्ट्रो सीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त चंदन वर्मा। हम लोग आर्डिनो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग सीरीज देख रहे थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर्स देख चुके हैं। आज हमारा ये 5th लेक्चर है। अगर आपने अभी तक वो 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उस 4 लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद फिर हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। आपको वो 4 लेक्चर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जा करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और आईओटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डालता रहता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, ताकि जो भी ये सब से रिलेटेड मैं वीडियोज अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएँ। हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं लूप्स। लूप क्या होता है, और लूप में हम लोग देखने वाले हैं कितने तरह का लूप होते हैं। व्हाइल लूप देखने वाले हैं, एक टाइप ये है, एक डू व्हाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है। इसके बाद फिर हम लोग नेस्टेड लूप देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इनफाइनाइट लूप भी देखने वाले हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं फिर, जिसमें सबसे पहले समझते हैं लूप, अंडरस्टैंडिंग लूप। सबसे पहले समझते हैं लूप है क्या, होता क्या है। आप देखिए, अब मैं जिस एग्जाम्पल का मैं कल जिक्र कर रहा था, जहां से मैं कल से समझा रहा हूँ, आज फिर से वही एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ वही देव नामकरण का है, वो उसका घर इधर है, गांव इधर है, ये समझ लीजिए। उसका सब लोग एक सिटी समझ लीजिए, उसका सिटी इधर है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है इसको, कि इसके घर में पानी नहीं जा रहा है, मतलब किसी के घर में उधर पानी नहीं जा रहा है, मतलब बिजली चली गई है। और इसको ये टंकी भरना है ताकि सबके पास पानी जाए। अब इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं कि मोटर चला दे, पानी भर जाए। तो अब इसके पास दो ऑप्शन था, जिसमें एक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। अब इसके पास एक और लास्ट ऑप्शन ये है कि बाल्टी ले और पानी भरे इसमें। हाँ, ये बाल्टी ले और ऊपर चढ़े और पानी भरे। और ये देव नामकरण का यही किया, बाल्टी उठाया, पानी लाया, पानी नीचे से भरा और ऊपर चढ़कर डालते गया, ऊपर टंकी भरते गया वो। अब ये जो बार बार रिपीट कर रहा है ना, पानी ला रहा है, भर रहा है, पानी ला रहा है, डाल रहा है, पानी ला रहा है, डाल रहा है, एक ही काम को रिपीट कर रहा है ना, बार बार कर रहा है, यही तो लूप है। अब इसमें अब ऐसा नहीं है कि लड़का ये डालते रहेगा, भरते रहेगा, कभी तो रुकेगा। कब रुकेगा, जब टंकी फुल हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि कोई भी काम को अगर वो रिपीट कर रहा है तो वो लूप में आ गया। उसके बाद फिर उसका एक कहीं एक ऐसा कंडीशन रहेगा जहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। ये हम लोग देख लिए एक बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लूप क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रोग्रामिंग लाइफ में कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारे पास सबसे पहले व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में सबसे पहले व्हाइल कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर कंडीशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। कंडीशन क्या लिखेंगे, जहाँ पे एक्सप्रेशन में वही लिखेंगे जब पानी फुल हो जाने का कोई कंडीशन तो होगा। कंडीशन क्या होगा कि वो देख रहा है, हाँ भाई पानी फुल हो गया, पानी भर के ऊपर से गिर रहा है तो पानी फुल हो गया, तो मतलब रोक दो। लेट से मैं बस एग्जाम्पल लेता हूँ कि वो लड़का 10 बार 10 बाल्टी पानी डाला, 10 बार ऊपर से नीचे पानी डाला, 10 बाल्टी मान लेते हैं, 10 ही बाल्टी में भर गया उसका टंकी ऊपर, 10 बाल्टी भर गया। तो मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हुआ ना कि वो 10 बार ही डालेगा, उसके बाद फिर वो रुक जाएगा। हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम्स के थ्रू अभी देखेंगे। इसमें देखिए एक वेरिएबल बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ टाइम्स। टाइम्स मीन्स वो नंबर ऑफ टाइम्स कितने डाल रहा है, मतलब काउंट करते जा रहे हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार डाला था। स्टार्टिंग में तो वो नहीं डाला है तो हम लोग 0 असाइन किए हैं, टाइम्स में कुछ नहीं है। फिर हम लोग वाइड सेटअप शुरू किए हैं, सीरियल को बिगिन किए हैं, बॉड रेट डिफाइन किए हैं, उसके बाद फिर लूप। अच्छा, ये देखिए आप वाइड लूप में हम लोग ये लिखे हैं वाइल लूप। आप चाहे तो वॉइड लूप में भी लिख सकते हैं या वॉइड सेटअप में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कहीं पर भी लिख सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि वॉइड सेटअप में एक ही बार रन होगा, लेकिन वॉइड लूप के अंदर एक और लूप बना दिया तो आपने मतलब नेस्टिंग कर दिया लूप का, मतलब ऊपर से भी एक लूप चल रहा है, वॉइड लूप भी चल रहा है। आपका वॉइड लूप का कंडीशन खत्म हो जाएगा, फिर भी वॉइड लूप चलते रहेगा।
उसके बाद फिर वाइल कब तक चल रहा है कंडीशन में, यहाँ पे दिया हुआ टाइम्स कितना बार करना है उसको बाल्टी ले जा करके डालना है, लेस देन इक्वल टू 10 टाइम्स डालना है बस, यही हमारा कंडीशन हुआ। 10 बार के बाद पता है उसमें भर जाता है। इसके बाद फिर हमारे पास प्रिंट करा रहे हैं नंबर ऑफ टाइम कितना बार वो डाला है वो प्रिंट कर देगा, फिर टाइम्स प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग प्लस प्लस सीखे थे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज भी तो करना है ना, काउंट भी तो करना है, जैसे एक बार डाला एक दो, ऐसा थोड़ी ना एक डाला तो फिर से काउंट करेंगे कि नहीं दो हो गया ना, तो इसीलिए हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं एक करके। यहाँ पे डिले इसलिए दे दिए ताकि वो प्रिंट जब सीरियल मॉनिटर प्रिंट हो तो हम लोग देख पाए, नहीं तो इतना फास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद फिर जब फुल हो जाएगा तो फिर हम लोग एक मैसेज नीचे दे देंगे टैंक इज फुल। आइए देखते हैं इसे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी प्रोग्राम करके। इससे पहले हम लोग सबसे पहले आर्डिनो आईडी को ऑन करते हैं। सबसे पहले इंट में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं टाइम्स कितने बार वो डाल रहा है, स्टार्टिंग वाइज जीरो से रहेगा जीरो। इसके बाद फिर हम लोग लिख रहे हैं void setup serial begin baud rate। हम लोग यहाँ पे कोड करने वाले हैं void setup में, कहीं भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं है बस, लेकिन void loop लिखना आपको जरूरी है भले उसमें कुछ पास ना करें आप, कुछ भी ना लिखें कोड्स। while conditions क्या लिखने वाले हैं, times less than कब तक while loop चलेगा 10 बार। इसके ब्लॉक्स में हम लोग लिखने वाले हैं serial dot println number of times, यहाँ पे मुझे लाइन चेंज नहीं करना है, नीचे वाले में लाइन चेंज करना है मुझे। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने वाले हैं टाइम्स। इसके बाद फिर हम लोग टाइम्स को इंक्रीज कर देंगे एक से। उसके बाद फिर हम लोग देखने के लिए थोड़ा सा डिले लगा देते हैं, लेट्स से 1 सेकंड लगा देते हैं, 1000 मिलीसेकंड 1 सेकंड। उसके बाद फिर जब 10 बार हो जाएगा एग्जीक्यूट, 10 बार वाइल लूप चल जाएगा, 10 बार वो बाल्टी 10 बाल्टी डाल देगा पानी, उसके बाद फिर मुझे प्रिंट करा देना है कि भाई टंकी फुल हो गया। सीरियल डॉट प्रिंटलन टैंक इज फुल, सेव करते हैं इसे, फिर अपलोड करते हैं। आपको लगा करके रखना है आर्डिनो, पोर्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेना। अपलोडिंग डन, सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हैं। देखिए एक बार पानी डाला, दो बार पानी डाला, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, 10 बार डाला, उसके बाद टैंक इज फुल। तो हमारा ये लूप इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। ये हो गया वाइल लूप। इसके बाद हमारे पास डू वाइल लूप है। डू वाइल में देखिए सेम थिंग है, वाइल लूप हुआ जो एंट्री कंट्रोल लूप हुआ, मतलब वो एंट्री के टाइम में चेक करेगा, अगर कंडीशन सही है तभी वो एग्जीक्यूट करेगा आगे का फर्दर ब्लॉक्स, नहीं तो फिर वो स्टॉप कर देगा वहीं से। लेकिन जो डू वाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, बाहर निकलते समय चेक करेगा, एंट्री के टाइम पर नहीं चेक करेगा, कुछ भी कंडीशन रहो वो रन हो जाएगा, चल जाएगा। वही देखिए यहाँ पे डू वाइल में सबसे पहले डू लिखना है, उसको सीरियल डॉट प्रिंट नंबर ऑफ टाइम्स फील्ड, उसके बाद फिर से उस टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, वो टाइम्स को प्रिंट करा रहे हैं कितने बार डाल रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग कंट्रोल लिखे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट वाइल, उसके बाद फिर टैंक फुल हो गया तो फिर हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं टैंक इज फुल। नेक्स्ट देखते हैं फॉर लूप, सबका फेवरेट लूप है फॉर लूप। इसमें आपको क्या करना है, एक ही लाइन में लिखना है, इनिशियलाइज कर लें टाइम्स को 1 से लेकर के लेस देन 10 तक, लेस देन इक्वल टू 10 तक, उसके बाद फिर एक एक बढ़ा रहे हैं। उसी में प्रिंट उसका एक ब्लॉक है, उसमें लिख रहे हैं हम लोग सीरियल डॉट प्रिंट नंबर ऑफ टाइम्स फील्ड, फिर डिले दे रहे हैं, फिर अगर वो 10 बार हो गया तो फिर हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं टैंक इज फुल। इसके बाद नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप उसको कहते हैं जो लूप के अंदर ही लूप लिखा हुआ, उसे हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे एक यहाँ पे फॉर लूप हमारे पास ये रहा आई वाला,
फिर हमारे पास उसके अंदर में है ये जे लूप के अंदर लूप जो लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप। इसके बाद हमारे पास इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप मतलब जिसका कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है, रोकने के लिए कुछ नहीं है, वो इनफाइनाइट चलता जाएगा। फॉर लूप इनफाइनाइट करने के लिए आपको बस दो सेमी कॉलन लगाना है फॉर के अंदर, वाइल और डू वाइल के अंदर वन लगा देना, वन मीन्स ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट करते जाएगा, लूप इनफाइनाइट पे चला जाएगा। सेव करता हूँ फॉर इनफाइनाइट। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इंट, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, फिर से मैं टाइम सी बना रहा हूँ, फिर से वाइड सेटअप पैरेंथेसिस। हम लोग इसमें लिखने वाले हैं सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन, बॉड रेट पास करने वाले 9600 सेमी कॉलन। उसके बाद लिख रहे हैं फॉर, फॉर को हम लोग इनफाइनाइट बना रहे हैं, ठीक है, दो सेमी कॉलन पास करना है। इसके बाद फिर इसका बॉडी बनाना है, ये रहा बॉडी। उसके बाद फिर लिखना है सीरियल डॉट प्रिंट एलन, मैं लाइन चेंज कराना चाहता हूँ इसलिए सीरियल डॉट प्रिंट एलन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए लिख रहे हैं दिस इज इनफाइनाइट लूप। इसके बाद हम लोग को वाइड लूप भी लिखना होगा, उसे ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं, अपलोड कंपाइल कर लेते हैं पहले, फिर इसे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। देखते हैं ये दिस इज इनफाइनाइट लूप प्रिंट करते ही जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। देखते हैं सीरियल मॉनिटर ऑन करते हैं ये प्रिंट कर रहा है या नहीं। ये देखिए दिस इज इनफाइनाइट लूप, ये प्रिंट करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस हम लोग इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।